दोस्तों, मैं हूं आपका भाई विकास और आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल करियर स्टडी क्लासेस। दोस्तों, मैं आपको अब सब्जेक्टिव के बारे में बताता हूं कि किस तरह से आपको बोर्ड में सब्जेक्टिव कैसा आएगा और कौन से प्रश्न इम्पॉर्टेंट हैं और बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तो मैं आज उसके बारे में बात करना चाहता हूँ आपसे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव तो आप लोग याद करते ही होंगे और सब्जेक्टिव पर ही उतना ही ध्यान दें। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बताते हैं किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड में। दोस्तों, सबसे पहले फिजिक्स का रहता है, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर फिजिक्स का दिया हुआ है। तो इसमें जैसे है, फर्स्ट क्वेश्चन है दिया हुआ, प्रकाश के प्रवर्तन नियमों को लिखे। तो दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन जो मैं आपको बताऊंगा, ये आप अपने कॉपी नोटबुक में नोट कर ले और इसका सॉल्व खुद कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि किताब में ढूंढ कर और अपनी भाषा में जितना बनाएंगे उतना अच्छा आपको मार्क्स मिलेगा। इसमें जैसे आप क्वेश्चन है प्रकाश के प्रवर्तन नियमों को लिखे, तो दोस्तों इसमें सिर्फ नियम को लिखना है, कितने नियम हैं तो दो लिख देना और दो नियम को लिख देना। ये नहीं कि आप बढ़ा चढ़ा कर कुछ और लिख दे तो ज़्यादा नंबर साइंस में मिलेगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि दोस्तों साइंस में सटीक आंसर मतलब खोजते हैं सब टीचर। तो चलिए दोस्तों, पहला नोट कर लीजिए, प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखिए, और उसके बाद दूसरा ये भी कर लीजिए, प्रकाश के अपवर्तन नियमों को लिखिए, क्योंकि ये दोनों इम्पॉर्टेंट है बोर्ड के लिए। और फिर अगला प्रश्न है दोस्तों, अवतल लेंस के वक्ता केंद्र पर रखे बीम के प्रतिबिंब के लिए एक किरण आरेख खींचे और उस प्रतिबिंब की प्रकृति आकार एवं स्थान को लिखे। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी नोट कर लीजिएगा, अवतल दर्पण के मतलब किस प्रकार से वहाँ पर प्रतिबिंब रखे जो कैसा बनता है, तो उसके बारे में आपको दो नंबर का मिलेगा। फिर तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, प्रकाश का प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं, इसे एक उदाहरण देकर समझाएं, प्रकीर्णन क्या है और उसे एक आप उदाहरण दे सकते हैं। चौथा प्रश्न है दोस्तों, विद्युत विभव को परिभाषित करें और इसका एसआई मात्रक लिखें। जैसे विद्युत विभव का आप डेफिनेशन लिख दीजिएगा और उसका एक एसआई मात्रक मतलब जो एसआई मात्रक होता है एक ही होता है तो उसे लिख दीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, पाँचवा, 20 ओम प्रतिरोध की कोई विद्युत स्थिति 5 विद्युत धारा लेती है, 30 सेकेंड में उत्पन्न उष्मा पर क्लिक कीजिए। तो दोस्तों ये न्यूमेरिकल है जो आपको 5 नंबर में शायद पूछा जाएगा, नहीं नहीं 2 ही नंबर का है, तो ये आप सॉल्व कीजिएगा। अगर नहीं हो पाएगा ना दोस्तों, कोई भी क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट में बताइएगा और हम इस पर भी वीडियो सब्जेक्टिव पर भी आपके लिए बना दूंगा। छठा क्वेश्चन है दोस्तों, सबको लिख लीजिए आप एक नोट में और उसे सॉल्व करने का कोशिश कीजिए, नहीं होगा तो हमें आपको हम सभी सॉल्व करके दे देंगे। छठा क्वेश्चन है, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएँ एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती है, इसका रीजन सहित मतलब आप वहाँ पर लिखे। इसमें ज़्यादा मत लिखने की प्रयास करें, जो सटीक आंसर है उसी ही लिखे। सातवां प्रश्न है, नवीकरणीय तथा अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत में दो अंतर लिखे, तो आप दो अंतर लिख सकते हैं। आठवां प्रश्न है दोस्तों, किस परिस्थिति में फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम का प्रयोग किया जाता है, मतलब कौन से परिस्थिति होने के कारण किया जाता है, उसके बारे में आप लिखे। नौवां प्रश्न है दोस्तों, निम्नांकित आरेख खींचकर किसी विद्युत जनित का मूल सिद्धांत तथा कार्यविधि स्पष्ट कीजिए, इसमें ब्रूसो का क्या कार्य है, यानी ब्रूस के भी कार्य लिखे और चित्र बनाकर करा आप विद्युत जनित का। जैसे ये क्वेश्चन है ना दोस्तों, तो विद्युत मोटर का भी लिख लीजिएगा क्योंकि वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो उसका भी हम लिख लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। यही दोनों में से कोनो क्वेश्चन फिजिक्स में 5 नंबर में पूछा जाता है। और ये है प्रिज्म, क्या प्रिज्म के कांच के प्रिज्म के द्वारा एक वर्णी प्रकाश के अपवर्तन का किरण आरेख खींचिए, तो ये भी आप खींच सकते हैं किरण आरेख, इस प्रकार से होता है। हम थोड़ा हिंट दे रहे हैं दोस्तों, ऐसे जैसे एक होता है प्रिज्म जैसे हुआ है, तो ऐसा नहीं बन रहा, जैसे यहाँ से निकलेगी 7 रंग, इसी तरह प्रकार से फिर इधर एक उल्टा त्रिभुज होगा और यहाँ से फिर एक रंग में श्वेत रंग में विभक्त हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। मतलब वो हो गया था आपको ए बी और सी करके दिया हुआ है, फिर श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेप से आप क्या समझते हैं, प्रिज्म से प्राप्त स्पेक्ट्रम के वर्णों को क्रम में लिखे, मतलब एक क्रम में लिखे। उसके बाद है रसायन शास्त्र में, देखिए रसायन शास्त्र में क्या क्या है दिया हुआ, इसमें देखिए दोस्तों आप यहाँ पर पढ़ लीजिएगा पहले, जैसे प्रश्न संख्या 11 में से 17 लघु उत्तरीय कोटि के प्रश्न, इनमें से 4 प्रश्नों का उत्तर दे, मतलब 11-17 में 4 को देना है, मतलब 7 प्रश्न होगा तो 4 को ही आपको देना है उत्तर।
ग्यारहवा प्रश्न जैसे अमले, लेकिन आपको भी सब बनाना है क्योंकि आप अति रिहर्सल कर रहे हैं, आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ये सब क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए और याद कर लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि आप जितने, हम ऐसे ही बोलें कि आप जितने अपने भाषा में बनाइएगा ना उस तरह से ज़्यादा मार्क्स आता है, क्योंकि मैंने ये देखा है। तो 11वां प्रश्न है, अम्ल एवं क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया का एक रासायनिक समीकरण लिखिए, उसके बाद ये भी लिख लीजिएगा आप। उसके बाद 12वां प्रश्न है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, एक उदाहरण दीजिए। दोस्तों आप अगर जो तेज़ी में नहीं लिख पा रहे हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छा रहेगा। 13वां प्रश्न है दोस्तों, पीएच स्केल क्या है? जैसे ये क्वेश्चन भी बहुत ही भीविया है, ये लमसम आते रहता है बोर्ड में, तो आप इसको अच्छे तरीके से डील कर लीजिएगा। पीएच स्केल क्या है? एक उदासीन बिलियन का पीएच मान कितना होता है? जैसे 7 होता है। इसी तरह से उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? ये भी है। दो उभयधर्मी ऑक्साइडों का उदाहरण दीजिए, दो उभयधर्मी ऑक्साइड कौन कौन है उसका उदाहरण दीजिएगा और क्या होते हैं ये भी बताना। अगला प्रश्न है दोस्तों, आयनिक यौगिक का गलनांक उच्च क्यों होता है? क्यों होता है उसका रीजन सहित आप वहाँ पर वर्णन करिएगा, छोटे से लाइन में, ये नहीं कि आप 10 लाइन लिखे तो ज़्यादा नंबर मिलेगा, वैसा कुछ नहीं। अब बस 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 5 लाइन 4 लाइन बहुत हो गया। 16वां प्रश्न, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना दिखाए। कार्बन डाइऑक्साइड का जो है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना आपको दिखाना। 17वां प्रश्न है, P15 यानी उसका अथी देना, क्या बोलते हैं, परमाणु संख्या दिया हुआ है बगल में, और आर्गन 18 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोला लिखने के लिए। जैसे आप कक्षा के आधार पर भी लिख सकते हैं, कक्षा के आधार पर भी लिख सकते हैं, जैसे 1s2 2s2 3p6 ऐसे जो होता उपकक्षा के आधार पर, कक्षा तो इजी ही है। 18वां प्रश्न है, धातुओं के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्मों का उल्लेख करें। यानी 5 नंबर का प्रश्न है, इसमें से करा कि नहीं, एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, दो दिया हुआ आपको एक देना है। धातुओं के भौतिक एवं रासायनिक गुण का उल्लेख करें, या आधुनिक आवर्तसारणी में तत्वों की संयोजकता परमाणु आकार और धात्विक एवं अधात्विक गुणधर्मों की प्रकृति को समझावे। ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं इसमें रखा हूँ। और अगला प्रश्न है दोस्तों, जो जीव विज्ञान से होगा आपको, इसमें मैं 4 कह रहा, इसमें से भी रंध्र का नामोचित चित्र बनाए। देखिए चित्र अगर दिया ना तो उसमें आप जरूर नाम दर्शाए, जैसे ये रंध्र है, ये स्टोमाटा है, तो सभी का मतलब रंध्र स्टोमाटा ऐसे एक ही होता है सॉरी, उसी तरह से आपको बताना है सबका, जैसे पत्ती का ये सीरा हुआ, ये सब कुछ आपको उसमें जरूर लिखें क्या है नहीं है, तो उससे ज़्यादा आपको अंक मतलब देने की संभावना होती है। ऐसे 2 से तो ज़्यादा नहीं ना मिलेगा, लेकिन ये जो है यहाँ पर चित्र बना दिए, उसके रंध्र का मुख्य कार्य क्या है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, ग्रहण करना और ऑक्सीजन को बाहर निकालना, यही सब कार्य है इसका। प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की क्या भूमिका है? तो वो लिखिएगा आप, प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की क्या भूमिका है। 22वां प्रश्न है, DNA की प्रकृति बनाना जनन के लिए आवश्यक क्यों है? क्योंकि उसी के द्वारा मतलब बनता है ना, बच्चा निर्भर करता है, संतान पुरुष होगा या महिला, उसी पर तो ये DNA का आवश्यक है। तो आप लिख सकते हैं किताब से देखकर और अपने भाषा में जितना बनाइएगा ना, आपसे नहीं होगा तो आप हमें कॉमेंट में ज़रूर कीजिएगा कि क्वेश्चन सॉल्व हम करके अगले वीडियो में बना दूंगा। 10वां प्रश्न है, मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है? ये भी मस्त है, जैसे आपसे नहीं होगा ना तो हम बोल रहे हैं, अगर हो जाए तो अच्छा, अच्छी बात है, आपको याद है तो और अच्छी बात है। तो ये सब क्वेश्चन आप एक बार और रिवीजन कर लीजिएगा तो अच्छा रहेगा बोर्ड के लिए। 24वां प्रश्न है दोस्तों, क्या होता है जब अंड का निषेचन नहीं होता, क्या होता है उसके बारे में लिखना। फिर आपको 25वां, परितंत्र में मार्जकों की क्या भूमिका होती है, ये भी इम्पोर्टेंट है। 26वां प्रश्न है, संपोषित प्रबंधन से आप क्या समझते हैं, संपोषित प्रबंधन से क्या समझते हैं, ये सब भी। पर दोस्तों मैं इसका सॉल्व तो किया हुआ हूँ तो आपको हम भेज सकते हैं, लेकिन आप हमें ना इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, करियर स्टडी क्लासेस ही नाम है उसका भी, तो आप इंस्टाग्राम पर खोजें और हमें मैसेज करें, मैं आपको स्क्रीनशॉट सबका भेज दूँगा, सबका सॉल्व किया हुआ है मेरे पास, आप इंस्टाग्राम पर फॉलो कर ले। उसके बाद मैं बगल में दिख रहा होगा करियर स्टडी क्लासेस, ये इंस्टाग्राम आईडी है, तो आपको मैं वहाँ पर दे दूँगा। 27वां प्रश्न है, ब्रिक कानून यानी नेफ्रॉन की संरचना एवं कार्य विधि का वर्णन करें। 5 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें से एक बनाना है 2 में से,
दूसरा है पुष्प की अनुवर्त काट का नमों की चित्र बनाए एवं पुष्प के विभिन्न भागों के बारे में लिख, ये हो सकता है। उसके बाद हो गया तंत्रिका तंत्र का भी हो सकता है, वो भी लिख ले तंत्रिका तंत्र के नामों के चित्र बनाकर वर्णन करे, और यही सभी आएगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाय।